We will start with very quick revision of whatever we have learned in the last session. So, पिछले लेक्चर में हमने टोटल इन टोटल तीन टॉपिक्स कवर किए थे. तो पहले उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड टू नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में वी हैव सीन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी था, उस पर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो हमको देखना है. वी वांट टू डिराइव एन इक्वेशन. तो इफ यू रिमेम्बर, टॉर्क टॉर्क मतलब ये होता है फोर्स जैसा. फोर्स लीनियर मोशन में और टॉर्क रोटेशनल मोशन में. लीनियर मोशन में फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन. रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन. कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, हमको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना था. तो अगर आपको याद होगा, हमने सबसे पहले एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लिया और ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ. एंड इफ यू रिमेम्बर, वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस body is made up of large number of particles of masses m1 m2 m3 mn so on so forth. aur inka perpendicular distance tha r1 r2 r3 rn, right? aur jo body hai it was rotating with constant angular acceleration alpha. to jab kinetic energy ka expression derive karte ho to what you assume is the body is rotating with कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. एंड जब टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है तो वी अज्यूम द बॉडी इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं. दोनों मेथड्स यू कैन डू इज द सेम मोर और लेस, एक जैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें. तो अगर आपको याद होगा, हमने कल बोला था बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सेम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आर अल्फा. करेक्ट. अल्फा इज सेम फॉर ऑल दिस पार्टिकल्स. जब बॉडी रोटेट होगा विद कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन तो सारे के सारे पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है लेकिन आर सेम नहीं है बिकॉज डिस्टेंस इज डिफरेंट. क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा. कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन. ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ये होता है एंगुलर. व्हाट इज सेम? एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज नॉट सेम? लीनियर एक्सेलरेशन. तो ये पता होना चाहिए. देन पहले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए वन इज इक्वल टू आर वन अल्फा, दूसरे पार्टिकल का ए टू इक्वल टू आर टू अल्फा, ऐसे nth पार्टिकल का आर एन अल्फा. इसके बाद हमने बोला था क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बिना फोर्स के होता नहीं है. मतलब हर एक पार्टिकल पे क्या एक्ट हो रहा होगा? फोर्स. तो हमने हर एक पार्टिकल का फोर्स फाइंड कर लिया. तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल वॉज गिवन बाय पहले पार्टिकल पे जो फोर्स था एफ वन, और आपको पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो m1 a1, लेकिन a1 क्या था? a1 था r1 अल्फा. तो m1 r1 अल्फा. सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा? m2 r2 अल्फा. ऐसे ही nth पार्टिकल पे कितना एक्ट हो रहा है? mn rn अल्फा. गुड. हमें फाइंड करना था व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग. और आपको याद होना चाहिए जब आपके पास एक सिंगल पार्टिकल हो और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन होता है हमेशा अलोंग टेंजेंट. क्यों? क्योंकि टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का. जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का और वही डायरेक्शन फोर्स का. तो रेडियस जो होता है, रेडियस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो फोर्स और रेडियस दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो इसका मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग पार्टिकल. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल इज आर बार क्रॉस एफ बार. इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो इट इज आर एफ साइन थीटा. तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ
साइन थीटा, थीटा कितना है 90, क्यों, क्योंकि आर और एफ में एंगल कितना था 90, देयरफॉर यू विल हैव टॉर्क इक्वल टू आर इनटू एफ, एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने ऑलरेडी फाइंड करके ही रखा है एक्सेलरेशन कितना था आर इनटू अल्फा, तो टॉर्क का फॉर्मूला है आर बार क्रॉस एफ बार, मतलब आर एफ, आर एफ, आर एफ, आर एफ साइन थीटा, राइट, आर एफ साइन थीटा, और थीटा कितना है 90, एफ क्या है एम इंटू ए, ए क्या है आर अल्फा, तो आपको मिल जाएगा टॉर्क का इक्वेशन आर एम आर अल्फा, मतलब टॉर्क इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, टॉर्क इज एम आर स्क्वायर अल्फा, तो जब सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं तो हर एक पार्टिकल पे क्या एक्ट हो रहा है टॉर्क, और टॉर्क का इक्वेशन क्या है एम आर स्क्वायर अल्फा, तो पहले पार्टिकल पे टॉर्क कितना लगा एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा, तो पहले पार्टिकल पे टॉर्क आएगा एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा, दूसरे पे आएगा एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही nth पार्टिकल पे आएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल इज एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा, तो टोटल टॉर्क अगर आप फाइंड करोगे तो टोटल टॉर्क इज टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस टॉर्क एक्टिंग ऑन थर्ड पार्टिकल, टोटल हमने देखा था एन पार्टिकल के लिए, तो पहले पार्टिकल का टॉर्क है एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा, दूसरे का है एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, ऐसे एन पार्टिकल का है एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा, इसमें से अल्फा आप कॉमन निकाल लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज M1 R1 square plus M2 R2 square plus MN RN square और alpha आ गया outside, और ये जो bracket में term है this is summation I runs from 1 to N MI RI square और यहाँ पे आ गया alpha, right, इसको आप बोलते हो moment of inertia, तो टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, क्योंकि अल्फा वेक्टर होता है तो टॉर्क भी आएगा वेक्टर, तो दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, मतलब प्रोसेस सेम है, हर एक पार्टिकल का पहले टॉर्क फाइंड करो सबको ऐड करो, तो अब अगला टॉपिक जो था उसमें हमको फाइंड करना था व्हाट इज अ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, इसका प्रोसेस भी सेम है, हर एक पार्टिकल का कितना एंगुलर मोमेंटम वो फाइंड करो और बाद में सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो, तो अगला टॉपिक हमने जो देखा था दैट वाज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी आप एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी लोगे ऑफ एनी शेप विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, द बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 सो ऑन सो फोर्थ, और इनका जो डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r1 r2 r3 r4 एक्सेट्रा, तो ये इतना तो सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है मैंने आपको बताया था, जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करोगे तो बॉडी इज रोटेटिंग विथ, रोटेटिंग विथ काइनेटिक एनर्जी, बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, टॉर्क के लिए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, और वापस से एंगुलर मोमेंटम के लिए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, जिस इक्वेशन में स्पीड आएगा उस इक्वेशन में स्पीड को कांस्टेंट रखना है, जिस इक्वेशन में अल्फा आएगा उस इक्वेशन में अल्फा को कांस्टेंट रखना है, तो टोटल तीन इक्वेशन है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आपको याद होगा ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक टॉर्क विच इज आई अल्फा, एक एंगुलर मोमेंटम विच इज आई ओमेगा, इसमें ओमेगा आया तो ओमेगा कॉन्स्टेंट, इसमें अल्फा आया तो अल्फा कॉन्स्टेंट, इसमें ओमेगा आया तो ओमेगा कॉन्स्टेंट,
तो हमने एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी लिया था, वी हैव टेकन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पिन. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी वही है. जब बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका होता है एंगुलर मोमेंटम. तो पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज आर बार क्रॉस पी बार. तो यह आ जाएगा आर पी साइन थीटा. फिर अगर आपको याद है, हमारे पास अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो इस केस में स्पीड मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट, रेडियस इज टूवर्ड्स सेंटर. एंड ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए मोमेंटम, अगर आप स्पीड को वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करते हो तो मिल जाता है मोमेंटम. तो मोमेंटम और रेडियस दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. दोनों में एंगल कितना 90, एंगल 90 मतलब साइन 90 कितना 1. तो ये मिल जाएगा आर पी साइन ऑफ 90, मतलब ये आ जाएगा आपके पास आर इंटू पी. मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है, एम इंटू वी. एम इंटू वी, वी क्या होता है, आर इंटू ओमेगा. तो सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है एम आर स्क्वायर ओमेगा. हमारे पास जो रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, जब वो रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो हर एक पार्टिकल का होगा एंगुलर मोमेंटम. तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा. दूसरे पार्टिकल का कितना, एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा. ऐसे ही एन पार्टिकल का करोगे, एन पार्टिकल का एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो सबको एड करते जाओ, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू LN. L1 है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, L2 है M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, एंड LN है MN RN स्क्वायर ओमेगा. इसमें से M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर MN RN स्क्वायर, इसको लिख दो ब्रैकेट में और ओमेगा निकाल दो कॉन्स्टेंट कॉमन. तो ये आपको मिल जाएगा समेशन आर आई रन फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा. ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये है आई, तो आ गया आई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा वेक्टर है तो एल भी वेक्टर होगा. तो दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. इसके बाद जो टॉपिक हमने देखा था इन द लास्ट सेशन, कल के लेक्चर में, इट वाज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हो, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हो. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मैंने कल बताया था. अगर हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है और उस रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. यू हैव टू कनेक्ट, आपने जो 11 में सीखा है उसका ही ये एक्सटेंशन है. टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स, टॉर्क रोटेशनल मोशन में, फोर्स लीनियर मोशन में, करेक्ट. अगर टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट. अगर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है तो वी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ए इज जीरो, राइट. तो उल्टा सोचो, क्योंकि टॉर्क आपने अभी अभी डिराइव किया आई अल्फा, राइट. तो टॉर्क जीरो होना मतलब अल्फा जीरो होना, लेकिन अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डीटी. अल्फा जीरो होना मतलब ओमेगा कांस्टेंट होना, राइट. मतलब इन शॉर्ट बॉडी का रोटेशनल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है,
बॉडी जिस स्पीड के साथ रोटेट हो रहा था उसी स्पीड के साथ रोटेट होता रहेगा. दिस इज व्हाट इट मींस. कब तक? जब तक एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है. सिमिलरली लीनियर मोशन में बॉडी का स्पीड चेंज नहीं होगा. कब तक? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वेरी सिंपल. ये आपको बताता है क्या कांस्टेंट होगा. एल, एल इज कांस्टेंट कब? एल इज कांस्टेंट इफ टॉर्क इज जीरो. तो ये प्रूव करना पड़ेगा. तो इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. तो याद रखना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते हो. आपको डेरिवेटिव लगने ही वाले हैं. तो पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी अगर आपने जीरो प्रूव कर दिया, मतलब वो क्वांटिटी जो होगा वो होगा कांस्टेंट. तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूव करना है तो डेरिवेटिव आपको प्रूव करना पड़ेगा जीरो है. तो स्टार्ट करेंगे बाय एल बार. इट इज आर बार क्रॉस पी बार. हमको क्या प्रूव करना है? डीएल बार बाय डीटी इज जीरो. तो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने क्या किया था? हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका ले लिया था डेरिवेटिव डी एल बार वाई डी टी. तो डी डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार, राइट. डेरिवेटिव ऑफ वन पैरामीटर, वन फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इसका होता है रूल. इसका रूल ऐसा है कि पहले क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले लो, दूसरे को एज इट इज रखो, प्लस पहले को एज इट इज रखो और दूसरे का ले लो डेरिवेटिव. बट डी आर बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. तो ये डी आर बाय डी टी यह आ गया वेलोसिटी. क्रॉस मोमेंटम, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी प्लस dp बार बाय dt, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो dp बार बाय dt इज फोर्स. तो यह आ जाएगा आपके पास r बार क्रॉस f बार. अब मास स्केलर है, स्केलर को आप यहां पे लिखो या बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम मास को लिख देंगे बाहर. तो v बार क्रॉस v बार प्लस r बार क्रॉस f बार इज टॉर्क. अभी अभी देखा था. पर आपको ये बताना चाहिए एनी वेक्टर उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, राइट. तो आपको मिल गया डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क. अब अगर टॉर्क ही जीरो हो गया, इफ द टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, अगर टॉर्क जीरो कर दोगे तो डी एल बार बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो. तो इफ If torque is zero, then हमें मिलेगा what is dl bar by dt zero. dl bar by dt zero होने का मतलब क्या है? Angular momentum हो गया constant. This is what you need to know. तो अगर torque zero है, if the torque acting on the rotating rigid body is zero, कौन सा torque? External torque. तो क्या constant है? एंगुलर मोमेंटम. गुड. तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में किया था. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी. तो अच्छे से समझ लो पहले व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग मोशन. और याद रखना, हम आज जो करने वाले हैं, अभी आपके सीईटी के जेई नीट के अगर करना होगा जेई नीट, तो 40 क्वेश्चंस इन वन लास्ट हाफ, मतलब नेक्स्ट हाफ आवर 40 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे. सिर्फ एक टेबल 40 क्वेश्चंस डन, स्टेट बोर्ड सीईटी मिला के. तो अच्छे से समझ लेना, ये टॉपिक बहुत इजी है. तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो रोल हो रहा है, रोलिंग मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी. ओके, अब ये रोलिंग मोशन मतलब क्या? तो इमेजिन
हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक स्पीयर है, स्पीयर या फिर व्हील या फिर यू कैन टेक अ डिस्क। गाड़ी भी जब रोड पे चलती है ना तो उसका जो व्हील होता है इट परफॉर्म्स रोलिंग मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन मतलब बेसिकली आपको पता है होगा क्या, रोल होना मतलब गाड़ी का ये जो टायर है या जो स्पीयर है ये रोटेट भी होगा और ये आगे भी जाएगा। तो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है रोटेशनल, रोटेशनल अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट जो क्या करेगा, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे ही ये व्हील रोटेट होगा, रोल होगा, रोल होगा मतलब ये व्हील रोटेट होते होते आगे जाएगा। तो इस बॉडी का सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है सेंटर जिसका रोटेशन होगा नहीं, जिसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल्स, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल था तो वो कैसे जाएगा आगे, कोई और पार्टिकल ले लिया मैंने वो कैसे जाएगा आगे, क्योंकि जब बॉडी रोल होता है तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी लाइक अ स्पीयर, अ डिस्क, अ व्हील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोशंस। कौन सा, ट्रांसलेशन, किसका ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ मास का, और रोटेशन किसका, पूरी बॉडी का। अब जिनको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता नहीं वो अच्छे से समझ लो। द आइडिया इज जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप बोलते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटेड है। मोशन को अच्छे से समझ लो, मोशन में करना क्या है, व्हाट इज मोशन, मोशन इज व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन। मतलब क्या मेजर करोगे, डिस्प्लेसमेंट, क्या मेजर करोगे, वेलोसिटी, और क्या मेजर करोगे, एक्सेलरेशन। मेजर करोगे मतलब ऑब्जर्वेशंस लोगे, पहले बॉडी यहां था 10 सेकंड के बाद यहां पहुंचा, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना 20, टाइम कितना 10, तो 20/10 मतलब कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो अंडर द अजम्पशन कि जो मेजरमेंट कर रहा है वो या तो रेस्ट पे है या फिर अगर मूव हो रहा है तो वो मूव हो रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेम मोशन को अगर आप मेजर कर रहे हो और ऑब्जर्वर खुद भी एक्सेलरेट हो रहा है तो ये होता है नॉन इनर्शियल, राइट। तो ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, मतलब F=ma आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो, इन शॉर्ट करेक्ट, F=ma यू कैन नॉट अप्लाई देयर। तो कंडीशन नंबर वन क्या था, कंडीशन नंबर वन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर टू, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल्स, मतलब पूरा का पूरा मास कहाँ पे होना चाहिए, एक पॉइंट में होना चाहिए। लेकिन अब जब हमने बोल दिया कि हमारे पास एक बॉडी है, जैसे कि एक बॉडी है, स्पीयर है, बॉल है, इस बॉल पे मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया तो इट विल स्टार्ट मूविंग, और बेटर टू से फोर्स लगाया तो इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। क्वेश्चन ये आता है कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या इस पॉइंट का। तो हम अज्यूम करते हैं एक ऐसा पॉइंट है बॉडी में जहां पे इस पूरे बॉडी का मास हम इमेजिन कर सकते हैं टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और वो पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन अ बॉडी एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated. Q, so as to apply Newton's laws of motion.
इतना पता होना चाहिए। अब इसके आगे, अब हमें जो मोशन का स्टडी करना है, हमें जो मोशन का स्टडी करना है, तो इस मोशन में अच्छे से इमेजिन करो। रोलिंग मतलब क्या? इमेजिन हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। जब बॉडी रोल होगा मतलब आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो गाड़ी का टायर जब आगे जाता है, वो रोटेट होता है कि नहीं, कि सीधा से जाता है? अगर सीधा ऐसा गया तो उसको बोलते हैं स्लिपिंग। स्लिपिंग कब होता है? जब फ्रिक्शन नहीं हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे से जॉब जाते हैं लोगों के, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जब टीचर के लिए इंटरव्यू होता है ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को बिठा देते हैं, बोलते हैं चलो टेक वन ऑफ द टॉपिक जो आपको पसंद आए। तो एक ने बता दिया कि मैं रोलिंग मोशन बताऊंगा। पूरा सब करेक्ट, एवरीथिंग वॉज करेक्ट, हर एक इक्वेशन करेक्ट। आखिरी में क्वेश्चन आया, ये रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन है कि नहीं? उसने बोल दिया नहीं, गए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो इमेजिन, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है? गाड़ी स्किड होती है ना, स्लिप होती है। स्लिप होती है मतलब रोलिंग है ही नहीं, तो डायरेक्ट सीधा चले गए। तो याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो हर एक पार्टिकल भी सीधा जाएगा, तो वहां पे रोटेशन का काम ही नहीं है, वो क्या है? ट्रांसलेशन। तो रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में ये होता है कि हर एक पार्टिकल रोटेट होता है सेंटर ऑफ मास को छोड़ के। सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट विच परफॉर्म्स प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। बाकी पूरा बॉडी मतलब बॉडी का कोई भी पॉइंट लोगे, जब जब रोल होगा तो ये पॉइंट ऐसा आगे जाएगा ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते आगे जाएगा, राइट? तो रोलिंग मोशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ऊपर से रोटेशन अबाउट विच एक्सिस? इमेजिन हमारे पास एक डिस्क है, गाड़ी का व्हील है, वो आगे जा रहा है, तो वो रोटेट हो रहा है कौन से एक्सिस के अबाउट? इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक्सिस ये बाहर आ रहा है सीधा। कहां से बाहर आ रहा है? सेंटर से। तो व्हेन अ बॉडी रोल्स, द मोशन ऑफ द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नंबर वन, ट्रांसलेशनल मोशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। नंबर टू, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। तो रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी लाइक स्पीयर, डिस्क एक्सेट्रा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बॉडी का शेप क्यों बताया? कभी सुना है क्या स्क्वायर शेप के टायर है? वो रोल कर नहीं सकते, इसलिए स्पेरिकल या फिर सर्कुलर शेप होना चाहिए। रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी लाइक स्पीयर, डिस्क एक्सेट्रा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? ट्रांसलेशनल मोशन। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ किसका ट्रांसलेशन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का, ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो अब सिंस ये मोशन दो अलग अलग मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दो अलग अलग टर्म्स से आएगी। एक आएगी ट्रांसलेशन से, विच इज 1/2 mv², दूसरा आएगा रोटेशन से, विच इज 1/2 i ओमेगा² राइट? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक बॉडी कंसिडर कर लेंगे। वो बॉडी क्या कर रहा है? रोल हो रहा है। किस पे रोल हो रहा है? एक सरफेस पे।
और विथ फ्रिक्शन या विदाउट फ्रिक्शन? विथ फ्रिक्शन, याद रखना विथ फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे ये जो बॉडी है इसका मास ले लेंगे m, इसका रेडियस ले लेंगे r। तो कंसीडर अ बॉडी रोलिंग ऑन अ सरफेस ऑफ मास m एंड रेडियस r। सो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m rolling on a flat horizontal surface। क्योंकि अभी तक मैंने incline किया नहीं, ये सीधे रोड पे चल रहा था, सीधे रोड था ना, yes, on a flat horizontal surface, horizontal surface, right, let r be the radius of the body, let r be the radius of the body okay, since rolling motion kya hai is a combination, kiska translation and rotation is a combination of translation and rotation, translation and rotation, therefore hence total kinetic energy of rolling motion is so total kinetic energy kya aayega, kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation, राइट इसके आगे एकदम अच्छे से ध्यान दो क्योंकि ये समझा तो एज आई टोल्ड यू कम से कम 40 क्वेश्चंस डन, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वेयर, दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, करेक्ट। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ एम वी स्क्वेयर, और रोटेशन कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। This is equal to half mv square plus half i। आपको याद है हमने लिखा था i equal to mk square where k was radius of gyration, तो i is mk square और आपको याद है v equal to होता है r omega, तो omega होता है v by r, तो यह आएगा v by r का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक what we have done is सिर्फ हमने i की जगह पे लिखा m k स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे लिखा v by r, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर k स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, राइट। v स्क्वायर बाहर, k स्क्वायर को अंदर, दैट्स इट। अब व्हाट यू सी हियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिन मेरे पास एक बॉडी है जो इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, इमेजिन मेरे पास एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, इमेजिन मेरे पास और एक बॉडी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीयर। अब स्पीयर में दो केस होते हैं, हॉलो स्पीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्पीयर भी हो सकता है। हॉलो स्पीयर मतलब जैसे एक रबर प्लास्टिक का बॉल, और सॉलिड स्पीयर मतलब एक रबर का बॉल। तो हमारे पास अलग अलग शेप के बॉडीज हो सकते हैं। इमेजिन इन सबका रेडियस है सेम, इन सबका मास है सेम, तो रेडियस और मास क्या है, सेम। सिर्फ एक रिंग था, एक डिस्क था और एक स्पीयर था, सॉलिड स्पीयर मान लो फिलहाल। सबका मास क्या है, सेम। सबका रेडियस क्या है, सेम। सबके सब इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्पीड भी है सेम, मास सेम स्पीड सेम, तो क्या सेम, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कौन सा एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि आपके पास तीन अलग अलग टाइप के बॉडीज है
सेम मास और सेम रेडियस के, और वो सेम सरफेस पे रोल हो रहे हैं, तो क्या सेम ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो क्या डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी? क्योंकि रोटेशनल एनर्जी में भी ये भी सेम है, लेकिन सेम क्या नहीं है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा रिंग के केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना था, डिस्क के केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना था, 1/2। k by r was 1/√2, k square by r square will be 1/2। तो ये याद रखना। तो कौन सा एनर्जी चेंज हो रहा है बॉडी टू बॉडी, रोटेशनल। कौन सा सेम रह रहा है, ट्रांसलेशनल। गुड, तो हम इसका एक टेबल बनाएंगे बाद में, तो पहले इतना समझ लो। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, हमको देखना है टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसमें से आप हाफ एम वी स्क्वायर निकाल सकते हो कॉमन, क्या बचेगा, 1+k² / r² ये मिल गया आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। बहुत सिंपल है, हमारे पास एक बॉडी है जो रोल हो रहा है विथ फ्रिक्शन। विथ फ्रिक्शन को और एक नाम है बुक में, विदाउट स्किडिंग। विदाउट स्किडिंग मतलब स्लिप नहीं होना। स्लिप गाड़ी तब नहीं होती है जब फ्रिक्शन होता है, राइट। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो टोटल एनर्जी विल बी कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आई होता है एम के स्क्वायर, ओमेगा होता है वी बाय आर। तो एम ये वी है, वी का स्क्वायर, इसको बाहर लिख दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल दो, तो यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर 1+k² / r² ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसका, रोलिंग मोशन का। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अब वो टेबल बना लेते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से टाइप के बॉडीज अभी तक हमने देखे, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, राइट। तो अब लेट्स मेक अ टेबल, और ये बहुत काम का है, अच्छे से ध्यान दो, मैंने नोट्स में दिया ही है, तो यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन, सिर्फ वो टेबल कहाँ से आया समझ में आ जाएगा आपको। तो टाइप ऑफ बॉडी, टाइप ऑफ बॉडी के बाद उसकी के की वैल्यू कितनी है, उसके बाद उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर या फिर के बाय आर कितना है, उसके बाद उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, उसके बाद उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, और लास्टली उसका टोटल एनर्जी कितना है, राइट। तो एक एक करके हम देखेंगे हाउ टू फाइंड ऑल दिस पैरामीटर्स, और दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, बहुत काम का है ये टेबल, तो टेबल पे अच्छे से ध्यान देना, इज एक्सट्रीमली यूजफुल। और मैं बताता जाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इसमें से, राइट। तो अच्छे से समझ लो, ये समझ लिया तो इस चैप्टर के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गए। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ बॉडी, then what is k value, then what is k by r, then what is k square by r square, then what is translational energy, e translational energy, then what is rotational energy ka kitna contribution, and then finally what is total energy. So what is E R and what is total energy E? सबसे पहला केस रिंग का, और एक चीज याद रखना, रिंग और हॉलो सिलेंडर सेम होता है। What do you mean by हॉलो सिलेंडर?
सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन अंदर से खाली है। तो इमेजिन मैंने मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, राइट। हॉलो सिलेंडर, इसका शेप क्रॉस सेक्शन, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर सेक्शन, ये रिंग जैसा दिखता है, यस। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग का सारे फॉर्मूलास क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, राइट। तो जितने भी फॉर्मूला बना रहा हूं मल्टीप्लाई बाय टू कर देना, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, ओके। देन आपको याद है रिंग के केस में आपके पास के इक्वल टू आता है आर, अगर याद होगा तो के इक्वल टू आर, तो के बाय आर कितना, वन, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना, वन, करेक्ट। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल एनर्जी, इस पर ध्यान दो, ये है रोटेशनल, ये है ट्रांसलेशनल। रोटेशनल एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर को के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या है, ये है ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो रोटेशनल एनर्जी मतलब ये कॉलम मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस कॉलम, तो कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। टोटल कितना आएगा दोनों का, एडिशन मतलब एम वी स्क्वायर। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, देखो एक समटाइम्स एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं कि के की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। कभी पूछते हैं के बाय आर कितना, दूसरा सॉल्व हो गया। कभी पूछते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना, तीसरा सॉल्व हो गया। कभी पूछते हैं कि ट्रांसलेशन एनर्जी कितना, फोर्थ। कभी बोलते हैं रोटेशन कितना, फिफ्थ। कभी बोलते हैं टोटल कितना, सिक्स। कभी बोलते हैं कि टोटल में ट्रांसलेशन का परसेंटेज कितना, टोटल कितना है एम वी स्क्वायर, उसमें से हाफ क्या है ट्रांसलेशन, तो परसेंटेज कितना, 50%, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन है परसेंटेज, सात मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि ये दो बॉडीज थे, 14 क्वेश्चन जगह पे खत्म, सॉल्व, राइट, क्लियर। अगला टाइप का बॉडी, अगला टाइप का बॉडी कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क। तो डिस्क, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर ये दोनों होते हैं सेम, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे अगर सिलेंडर में अंदर भी मटेरियल है तो अंदर मटेरियल हॉलो नहीं है, मटेरियल है। तो जब सिलेंडर रोटेट होगा, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कौन रोटेट हो रहा है, डिस्क रोटेट हो रहा है। सॉलिड सिलेंडर, जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट, क्रिकेट नहीं भी देखते होंगे तो रास्ता बनते हो देखा ही होगा, अभी पास में ही रोड का काम चल रहा था, उसके ऊपर रोलर घुमाते हैं। व्हाट इज रोलर, हॉलो होता है क्या अंदर से, नहीं, इट इज सॉलिड, और उस रोलर को साइड से देख रहे हैं तो क्या दिखता है, वो डिस्क। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दे आर सेम। देन अगर आपको याद होगा ये आता है के इक्वल टू आर बाय रूट टू, तो के बाय आर कितना, वन बाय रूट टू। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना, वन बाय टू। और मैंने पहले ही बता दिया बॉडी कोई भी हो रोटेशनल एनर्जी चेंज होता है, ट्रांसलेशनल चेंज नहीं होता है, मतलब ये तो हमेशा रहेगा हाफ एम बी स्क्वायर। और मैंने बताया रोटेशनल के लिए क्या करना है, ट्रांसलेशनल को के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, वन बाय फोर एम वी स्क्वायर। टोटल के लिए इन दोनों को ऐड करना है, वन बाय टू मतलब कितना, हाफ, वन बाय फोर मतलब कितना, 0.25, 0.5 और 0.25 कितना, 0.75, 0.75 मतलब कितना, 3/4 एम वी स्क्वायर। 14 and 14 28 क्वेश्चंस। और याद रखना, मैं आई एम टेलिंग यू, ये समझ में आ गया, सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस इधर ही खत्म हो गए हमारे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी इज अ हॉलो स्फीयर।
हॉलो स्पीयर मतलब अंदर से पोकर, नथिंग इज इन साइड, राइट। तो हॉलो स्पीयर का जो केस होगा, हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर मतलब प्लास्टिक के बॉल जैसा, अंदर कुछ नहीं है, खाली है अंदर से, इट इज हॉलो स्पीयर। हॉलो स्पीयर के केस में आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3 r। तो के बाय आर इज रूट ऑफ 2/3। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन इतना पावरफुल है कि आपको सिर्फ एक नंबर बता देगा कि बॉडी कौन सा है। तो अगर के बाय आर रूट ऑफ 2/3 हो तो बॉडी कौन सा? हॉलो स्फीयर। कैसे रोटेट हो रहा है? अबाउट इट्स डायामीटर, या फिर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3, ये तो चेंज होता ही नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये रोटेशनल इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, तो 2 2 कैंसल, तो 1/3 mv² और टोटल इन दोनों का एडिशन। व्हाट इज 1/2 + 1/3? 1/2 + 1/3 5/6। तो ये आ जाएगा 5/6 mv² 14 14 14 42 42 खत्म जगह पे। अब अगला है, अगला कौन सा केस है? सॉलिड स्पीयर। तो अगला आएगा सॉलिड स्पीयर का केस, ठीक है, आप समझ लेना। तो सॉलिड स्पीयर का केस, सॉलिड स्पीयर, तो सॉलिड स्पीयर मतलब लाइक रबर बॉल विथ मटेरियल इन साइड, हॉलो स्पीयर इज लाइक अ प्लास्टिक बॉल विथ नथिंग इन साइड। तो सॉलिड स्पीयर इस केस में सिर्फ एक ही चेंज होता है, अंडर रूट ऑफ 2/5 होता है यहाँ पे। तो के बाय आर कितना? रूट ऑफ 2/5। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना? 2/5, ये तो चेंज होगा नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1/5 mv² फिर दोनों को ऐड करो 7/10, 7/10 mv². गुड, ये हो गया आपका और 14, हाँ 14 56। अभी और भी है, और भी है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। अब यहां तक अगर ये टेबल समझा है तो रोटेशनल मोशन इन शॉर्ट आपका खत्म हो गया यहाँ पे, गुड। तो जब भी बॉडी रोल होगा क्या चेंज नहीं होगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी। क्या चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि इट इज मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। गुड, देन अब और एक इंपॉर्टेंट चीज दैट यू नीड टू नो इज रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी हमने रोलिंग मोशन कहाँ लिया था? फ्लैट सरफेस पे। अब हम इस रोलिंग मोशन को लेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। तो उसमें क्या क्या करना है वो भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लेट मी पुट टाइटल, रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी, ऑफ कोर्स रिजिड बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो टॉपिक है ये नोट्स में प्रिंट होना रह गया है, तो इसका मैं अलग से आपको सप्लीमेंट दूंगा, सिंगल पेज रह गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो डोंट वरी। अब ऐसा है, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या? मतलब ऐसा, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो पहले क्या था? फ्लैट था। अभी क्या है? अभी इंक्लाइंड है। बॉडी कहाँ से आ रहा है? बॉडी ऊपर से आ रहा है, तो बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। ओके, तो बॉडी हियर स्टार्ट फ्रॉम टॉप। और याद रखना, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, पहले अच्छे से समझ लो। तो वो लिखने का काम हम बाद में कर लेंगे, हम कर लेंगे कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा, राइट। इंपॉर्टेंट करना क्या है पहले वो समझ लो, बाकी सब होता रहेगा।
इस केस में हमारे दो टास्क है। टास्क नंबर वन, अब देखो बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे था, इसको नाम दे देता हूं ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो बॉडी है रेस्ट पे, हमने इसको अभी तक रिलीज किया नहीं है, रेस्ट पे है तो इसको आप रिलीज कर दोगे। रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, इट विल कम डाउन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब मूव होना स्टार्ट हुआ, मूव होना स्टार्ट हुआ मतलब वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है। तो नीचे आते आते बी पॉइंट तक आते आते इसका वेलोसिटी का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसके वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे यू इक्वल टू है 0, यहाँ पे वी है और वी का इक्वेशन करना है फाइंड नंबर वन, और ये चेक करना है कि रिंग के लिए, डिस्क के लिए, हॉलो स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए, सबके लिए सेम आता है कि नहीं। मतलब मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास एक हॉलो स्पीयर है, एक सॉलिड स्पीयर है, चारों को मैंने सेम प्लेन से एक साथ छोड़ दिया, सेम मास है, सबका मास भी सेम है। तो नीचे आते आते किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले पहुंचेगा, इन सिंपल लैंग्वेज। तो क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। दूसरा, जब स्पीड चेंज होता है मतलब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या बोलते हो, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो बुक में, आपके बुक में इसी टॉपिक को एक दूसरा नाम है, ऐसा बोला है, लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इसी को बोल सकते हो आप लीनियर स्पीड एंड इंक्लिनेशन एंड एक्सेलरेशन, सॉरी एंड एक्सेलरेशन, लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ऐसा है, बाकी थियरी पार्ट हम देखेंगे लेकिन सबसे पहले इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब एक बॉडी एक हाइट से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। h का चेंज होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होना। ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, फाइनल कितना है, नॉन जीरो, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका जो डेरिवेशन है उसको समझने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं। पहला तरीका यह है, कुछ याद नहीं आए, बुक में लिखने का लैंग्वेज अलग होता है, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, एक चीज तो याद रखना ही पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। अब ए पे काइनेटिक 0, क्योंकि बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था मतलब वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो विच इज एम जी एच, वो मैं बाद में लिखूंगा, मैं बताऊंगा बाद में वो। देन बी पॉइंट पे मतलब लोवेस्ट पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट 0, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये 0 नहीं है, लेकिन क्या 0 है, पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि हाइट हो गया 0। तो क्या मिला आपको, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। इसी को बुक में अलग तरीके से लिखते हैं, हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, बुक में बोलते हैं क्योंकि क्या आया, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू काइनेटिक एट बी, तो बुक में ये बोलते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉस क्यों, जैसे जैसे हाइट कम होगा, जब ये बॉडी नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, हाइट कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना, कम होना,
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ, कहाँ गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द बुक दे विल टेल यू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है वही टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन ही है वो। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गुड, हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। तो अब ये है हाइट, मतलब इनिशियल हाइट ऑफ बॉडी इज एच, इस हाइट को मैं बोल देता हूं एच। एच व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एम जी एच, एम जी एच। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। गलत गलत, रोलिंग मोशन है, रोलिंग रोलिंग मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि अच्छे से वर्ड्स को पढ़ो। रोलिंग मोशन, रोलिंग डाउन, तो रोलिंग मतलब रोलिंग मतलब हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एम और ये एम सेम है, दोनों बॉडी का ही मास है क्योंकि बॉडी एक ही है। तो ये एम और ये एम कैंसल, हमें चाहिए वी का इक्वेशन। तो टू को शिफ्ट कर दिया तो टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर v चाहिए होगा तो अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर यहां तक, गुड। तो यू शुड नो दिस, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट v। अब आखिरी चीज हमें फाइंड करना है a, एक्सेलरेशन, राइट। क्योंकि हुआ ना एक्सेलरेशन, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हाउ कैन यू से velocity is changing, तो आपको पता होना चाहिए v। अब प्रॉब्लम ये है, हमें काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस पता है, उसमें से तीन इक्वेशन में आता है a, s equal to ut plus 1 half at square, v equal to u plus at, v square equal to u square plus twice as। तो a का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सबसे पहले वो डिसाइड करो। v square, क्योंकि v square पता है, u square क्योंकि u भी पता है, जीरो, s भी पता है। व्हाट इज s, s इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया। तो ये डिस्टेंस क्या है, s। अब s पता नहीं लेकिन h तो पता है ना, तो व्हाट इज sin theta, अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse। तो s क्या आएगा, h अपॉन sin theta, करेक्ट। तो ये काम में आएगा, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, व्हाट इज वी का स्क्वायर, 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, u कितना, 0, 2as, s कितना, h अपॉन sin theta, कैंसल 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 कैंसल। हमें चाहिए था a, सिर्फ sin theta को शिफ्ट कर दो, तो a इक्वल टू g sin theta upon 1 plus k square by r square। So this is how you find out acceleration of a body down an inclined plane। Good, तो हमें जब velocity का expression या a का expression find करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक body लेंगे जो roll down हो रहा है on an inclined plane with angle of inclination theta। करना क्या है, बोलना है loss of gravitational potential energy is equal to gain in kinetic energy, या फिर total energy at A equal to total energy at B। Equate करते जाओ तो potential at A equal to kinetic at B, kinetic is not half mv square, it is half mv square into 1 plus k square by r square। Good, देन यहां से मिल जाएगा v स्क्वायर, वहां से मिल जाएगा v, फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा a का एक्सप्रेशन। अब रह क्या गया, यू सी v में भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, a में भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, मतलब अलग अलग बॉडी के लिए वेलोसिटी होगा अलग अलग। रिंग की बात करोगे तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना है, 1, तो अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 1, 2, 2 कैंसल, करेक्ट। ए
जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस वन टू, मतलब जी साइन थीटा बाय टू। तो ये बॉडी टू बॉडी वी और ए दोनों की वैल्यू होगी डिफरेंट। तो हम पूरा एक टेबल बनाएंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे।